पूर्णिया शहर के पॉलिटेक्निक चौक के समीप स्थित गोविंद मेटाबॉलिक हॉस्पिटल पूर्णिया को गौरव प्रदान कर रहा है। बिहार के अलावा पूरे देश भर से मरीज यहां आते हैं और ठीक होकर जाते हैं। इस अस्पताल में इलाज करा रहे कुछ मरीजों से जब बात की गई, तो उन्होंने बताया कि पटना, दिल्ली एवं देश भर के अलग अलग हॉस्पिटल से इलाज कराकर जब थक गए, तो उसके बाद पूर्णिया के इस गोविंद मेटाबॉलिक हॉस्पिटल डॉक्टर वीरेश कुमार के रिसर्च एवं फिजियोथेरेपी सेंटर में इलाज कराया तो वे लगातार स्वस्थ हो रहे हैं। हम आपको बता दें कि पूर्व में अमेरिका एवं अन्य देशों से भी मरीज पूर्णिया आकर डॉक्टर वीरेश कुमार के उपचार से ठीक होकर गए हैं। डॉक्टर वीरेश कुमार को गठिया इलाज हेतु MCG टेक्निक का आविष्कार करने हेतु स्वर्ण पदक के साथ चिकित्सा रत्न अवार्ड तथा इंडियन वर्ल्ड अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। डॉक्टर वीरेश कुमार ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि MCG टेक्निक से गठिया इलाज के दौरान किसी भी प्रकार का ऑपरेशन या इंजेक्शन नहीं लगाया जाता है, बल्कि मशीनों से ठीक किया जाता है। सुनिए डॉक्टर एवं मरीजों ने क्या कुछ कहा। कमर में दर्द था पहले 3-4-5 साल से, उसके बाद भेलोर गए थे, वहाँ पर भी दवाई नहीं दिया, और नेपाल भी गए थे, नेपाल में कमर में सुई लगा था, ठीक नहीं हुआ। पूर्णिया में दिखाए 2-4 डॉक्टर से, फिर भी फायदा नहीं हुआ। यहाँ पर आए हैं तो कमर का दर्द ठीक है अभी। पहले किए थे बाबू इलाज, आरके दुकनिया ले कर लिए, कर ला कर हमारा मालिक आया तो हम भी आए बाबू, तो कहते यहाँ पर होगा इलाज, तो हम भी इलाज करते हैं। कितना दिन से दर्द था? बहुत दिन से, 15-20 साल से। हाँ, तो इलाज किए थे बाबू, कम हो गया, कम कर, हाँ टेढ़ा हो गया अपन, सुई दिया ना वही, अभी यहाँ पे करवा रहे हैं तो आराम है, थोड़ा दर्द आराम है। समस्या थी आपको? हमको चौकी से गिर गए थे 4-5 महीना पहले, गिर गए तो पूर्णिया गए, दो डॉक्टर को दिखाए, दवाई तवाई खाए, एक महीना बोला कि ऑपरेशन करना होगा। दवाई खाते खाते बाद में यही मीडिया वाला ये किया था, देखे आए हैं, एक हफ्ता होता है, मतलब यहाँ का प्रचार प्रसार देखे जी, तो आराम हमको दिखा रहा। क्या घुटना टूट गया था? नहीं, टूट लिगामेंट छूट गया था, लिगामेंट। अच्छा अच्छा। लिगामेंट छूटने के बाद वो जो है पैर काम उतना नहीं करता था, अब जो है थोड़ा सुधार है। डॉक्टर मरीज को समस्या थी? मरीज को कमर में पाँव में दर्द था, और बहुत लंबा बीमारी है ये, 20 साल का है, और एम्स वगैरह से भी हम बंगलोर एम्स सब जगह दिखा के आ गए, सब जगह यही ऑपरेशन छोड़ के और कोई ट्रीटमेंट नहीं है। इधर से जो था इसको पेन किलर भी काम नहीं करता था, तो यहाँ के बारे में पता चला, हम लेके भाग के आए हैं यहाँ, यहाँ ठीक है इलाज। कितना दिन से इलाज किया? 6 तारीख को 18 दिन आ जाए, 18वां दिन है हमारा, जिसमें बहुत रिलैक्स है, बहुत रिलैक्स। सर मेरा जो S4 है, S3 S5 में और S1 में मेरा नस दबा हुआ था, स्पेन में मेरा स्पाइन का नस दबा हुआ था, और स्पेन मेरा थोड़ा अंदर चला गया था, और कमर मेरा थोड़ा बाहर आ गया था, यानी कि ऐसा हो गया था, मेरा गैप हो गया था, गैपिंग हो गया था, काफ़ी दिक्कत में थे हम तो। कितने दिन पहले ये हुई थी? ये सर 2 महीना से ऊपर हो गया सर मेरा, ये हुआ 2 महीना पहले ये हुआ? जी सर, 2 महीना पहले हुआ है। हमने काफ़ी पटना में पोस्टेड थे, हम पटना में काफ़ी ट्रीटमेंट कराए, पारस में भी गए, रुबन में भी गए, सहयोग में एडमिट थे हम 3-4-5 दिन। क्या करते हैं हम? गृह मंत्रालय में हैं। गोविंद मेटाबॉलिक हॉस्पिटल जैसा आप लोगों ने बोर्ड पे लिखा हुआ भी देखा होगा, घुटनों के इलाज के लिए विश्व प्रसिद्ध। दरअसल हम लोगों ने जॉइंट पेन का जो ट्रीटमेंट होता है उसकी एक नई तकनीक का आविष्कार किया है। ये जोड़ों के दर्द का होने का मुख्य कारण है जोड़ों के बीच का कार्टिलेज खत्म हो जाना, जिसको कि नॉर्मली हम लोग गाँव भर की भाषा में बोलते हैं, बीच का कार्टिलेज खत्म हो जाना, ग्रेसिंग खत्म हो जाना, जिसे गठिया बात की समस्या बोलते हैं। इसी तरह ये समस्या सेम समस्या होती है आज के अधेड़ उम्र के लोगों में या महिलाओं में, खासकर कमर दर्द की समस्या, गर्दन की समस्या, हम लोग जो भी पढ़ाई लिखाई काम कर रहे हैं, मोबाइल लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं, सबको गर्दन की समस्या होती है। तो सर ये होता क्या है कि जोड़ों के बीच का कार्टिलेज घिस जाना, जिससे कि डिस्क बल्जिंग, डिस्क प्रोट्रूशन, डिस्क एक्सट्रूशन, इस तरह की समस्याएँ आने लग जाती है। तो अभी तक मेडिकल साइंस में यही किया जा रहा था कि पेन किलर, विटामिन, कैल्शियम देकर थोड़े दिन, कुछ दिनों तक दर्द को रोकथाम उपाय किया जाता था। बाद में बताया जाता था कि अब जॉइंट रिप्लेसमेंट की आवश्यकता है या सर्जरी करके जॉइंट के बीच का स्पेस बढ़ाने की आवश्यकता है। लेकिन हमने एक नई तकनीक ढूंढ निकाला था, आपको काफ़ी समय साल पहले हमने बताया था कि MCG तकनीक, मेटाबॉलिक कार्टिलेज जेनरेशन तकनीक। इससे हम लोग अल्ट्रासोनिक मशीन से मेडिसिन डालते हैं जॉइंट के अंदर, उससे कार्टिलेज का फॉर्मेशन कर रहे हैं, और अभी ये ऑल ओवर वर्ल्ड में ये एक चमत्कारिक क्रांति की तरह है। लोग सुनते हैं जितने भी, तो उनको भरोसा करना मुश्किल होता है कि ये मशीन से किस तरह मेडिसिन डाल के कार्टिलेज बनाया जा रहा है, और ये
हम लोग 100% सक्सेसफुल करके दिखा रहे हैं। हमारे बाकी मरीजों से मिलकर देखिए, हम लोग बाकायदा एक्सरे और MRI रिपोर्ट में परमानेंट करके दिखाते हैं कि हमने कार्टिलेज बना दिया है। और चूंकि हम कार्टिलेज को ही बना दे रहे हैं, जिससे कि जॉइंट के बीच का पेन ही खत्म हो जा रहा है, क्योंकि पेन इस वजह से हो रहा है, कार्टिलेज खत्म हो गया है, बोन्स आपस में टच होना शुरू हो जाता है, जिससे कि दर्द स्टार्ट हो जाता है। अभी जो मरीज़ हैं आपके यहाँ, मैक्सिमम मरीज दिल्ली एम्स से दिखा कर ही निराश होने के बाद ही हमारे पास आते हैं। बाकी सारे मरीज जितने भी हैं, तो हमारे पास एडमिट होने की क्राइटेरिया यही होती है कि आपने दिल्ली एम्स से दिखाया है, पहले दिखा कर निराश हो चुके हैं तो आप आ जाएँ हमारे पास, और हम बिल्कुल आपको पूर्णतः आपके जोड़ों को स्वस्थ करके कार्टिलेज बना के नॉर्मल चलने फिरने नहीं 10 बार दंड बैठक उठक बैठक के लायक हम बनाकर भेजते हैं। एक दिन का इलाज का खर्च आता है, पूरे महीने आप हमारे पास रहेंगे, इलाज करवाएंगे, मशीन का, दवाइयों का, फिजियोथेरेपी का, एक्सरसाइज का, सारा सा कॉस्ट मिलाकर भी जो एक दिन का आता है वो हमारे पास पूरे महीने का नहीं आता है। अप्रॉक्स 50,000 के आसपास रहने से लेकर इलाज करवाने तक मशीन का, ट्रीटमेंट का टोटल कॉस्ट ओवरऑल उसमें इंक्लूड होता है। उससे ज़्यादा नहीं, उससे कम ही आता, उससे ज़्यादा नहीं आता। परिचय बता देंगे? मेरा नाम डॉक्टर वीरेश कुमार है। एक्चुअली हम यहाँ आए थे अपनी वाइफ के लिए, वो चलने फिरने में उसको दिक्कत, कमर से दर्द स्टार्ट हुआ, धीरे धीरे उसका पूरा हाथ पे होने लगा, अब कोई बेलन उठाने का लायक नहीं रहा, हाथ में काफ़ी झिंझनी वगैरह, वो कुछ भी भारी उठा नहीं सकती थी, इवन कि हल्का मतलब कि 100 ग्राम का सामान उठाने पर झिंझनी लगता था। तो उनके लिए बहुत सारे क्रियोपैथी के बारे में सुने थे हम, पटना निकलने वाले थे, संजू से यहाँ के बारे में पता चला, और यहाँ पर आए तो वाइफ का इलाज ट्रीटमेंट स्टार्ट किए, उसी तरह चर्चा हुई तो चर्चा चला तो मेटाबॉलिक के बारे में पता चला कि सर ऐसे ही इलाज करते हैं। तो मेरे साथ प्रॉब्लम है कि मैं स्टूल पास होने में प्रॉब्लम होता था, प्रेशर बनता ही नहीं था, तो और BP भी हमेशा 140-160 के आसपास हमेशा रहता था, हमेशा कितना दवा खाने के बाद भी कोई रिकवर नहीं। बट एक दिन सर से चर्चा किए यहाँ पर, तो सर बोले नहीं इसका सॉल्यूशन है मेरे पास, आप ऐसा कीजिए आप नेक्स्ट डे आइए, सवेरे सिर्फ टॉयलेट पास नहीं करना है घर पे, अगर प्रेशर लगे तो भी नहीं करना, यहाँ चले जाना है। यहाँ पे आए लगभग वही आधा घंटा या एक घंटा प्रोसेस रहा, मतलब सिर्फ पानी लगभग 55 गिलास के आसपास, 50 से 55 गिलास के आसपास पानी पिलाए, और उस दिन से अभी तक वो ऐसे प्रॉब्लम रहा नहीं। एक्चुअली BP हमको बहुत दिनों से है, सिर्फ BP ही नहीं था, बट ऐसा था कि अभी रिसेंटली जब जांच कराया अपना, तो लीवर इनलॉज था, किडनी प्रॉब्लम आ गया था, हल्का प्रकार स्टोन आ गया था, और प्रोस्टेट भी जो था बॉर्डिंग लाइन पे था। तो ये सारा चीज़ अभी भी अभी अंडर ट्रीटमेंट ही है, बट बहुत हद तक पेट और ये स्वतः इसका इलाज तो कराए नहीं आए हम पेट का, और ये पता नहीं कहाँ चला गया। ठीक है, इससे पहले भी कई इलाज कराए थे? हाँ, इसके पहले लाइन बाजार में डॉक्टर जगदीश प्रसाद और कौन कौन से हैं, डॉक्टर उमेश कुमार वगैरह सब से दिखलाए हुए थे अपने, बट ये सॉल्यूशन फाइनल सॉल्यूशन मिल नहीं रहा था, कुछ ना कुछ खाना पड़ता था स्टूल पास करने के लिए, बट होता नहीं था। क्या मेरा नाम शिव शंकर गुप्ता है।